वॉशिंग मशीन चलती छोड़ा है, गैस में सब्जी भी भूला है। अरे तुम भी तो कुछ बोलो राकेश। हाँ तुम बोलने तो दो। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म बंटी और बबली 2 के शुरुआती 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और सुपरस्टार अक्षय कुमार के फिल्म सूर्यवंशी के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें इस हफ्ते की रिलीज हुई फिल्म बंटी और बबली 2 के बारे में, तो ये एक कॉमेडी फिल्म है जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, पंकज त्रिपाठी और साथ में है सिद्धांत चतुर्वेदी। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म का बजट है 40 करोड़ रुपए और इस फिल्म को इंडिया में 1800 स्क्रीन पर रिलीज किया था और वर्ल्ड वाइड ये फिल्म 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। बात करें फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं की। जी हाँ दोस्तों, बंटी और बबली 2 फिल्म ने पहले दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 2,60,00,000 रुपए का, वही दूसरे दिन फिल्म ने कमाए 2,90,00,000 रुपए। इसी के साथ बंटी और बबली 2 फिल्म का शुरुआती 2 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था 5,50,00,000 रुपए। लेकिन बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो तीसरे दिन है संडे और संडे होने की वजह से इस फिल्म को तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर एक हल्का सा जंप देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन बंटी और बबली 2 फिल्म को मॉर्निंग वाले शोज में पहले 2 दिनों के मुकाबले काफी अच्छी ऑक्युपेंसी मिली है। साथ ही साथ फिल्म की जो तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग है वो भी काफी बढ़िया रही थी। तो जो अभी तक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बंटी और बबली 2 फिल्म अपने तीसरे दिन ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 3,50,00,000 रुपए। इसी के साथ बंटी और बबली 2 का शुरुआती 3 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 9 करोड़ रुपए, इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 11,50,00,000 रुपए, ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन 3 करोड़ रुपए। यानी कि 3 दिनों में बंटी और बबली 2 फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन हो रहा है 14,50,00,000 रुपए। तो 3 दिनों में तो फिल्म के कलेक्शन लगभग 14,50,00,000 रुपए का हो चुका है, लेकिन अब देखना है कि फिल्म वीकडेज में क्या कमाई करती है, क्योंकि दोस्तों फिल्म को जब वीकेंड पे जंप नहीं मिला तो वीकडेज में तो शायद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बैठ जाने वाली है। बाकी अगर आपने बंटी और बबली 2 देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वही अगर दोस्तों अब बात की जाए सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी के बारे में, तो सूर्यवंशी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त तीसरा हफ्ता चल रहा है। फिल्म ने पहले हफ्ते में काफी दमदार कमाई की थी और दूसरे हफ्ते में भी फिल्म का कलेक्शन काफी बढ़िया रहा था। लेकिन बात करें तीसरे हफ्ते की, तो दोस्तों तीसरे हफ्ते में बंटी और बबली 2 रिलीज हुई, जिसके चलते सूर्यवंशी फिल्म की जो स्क्रीन है वो काफी कम हो चुकी थी। इसके बावजूद भी सूर्यवंशी फिल्म तीसरे हफ्ते में बंटी और बबली 2 से कहीं ज्यादा कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बंटी और बबली 2 ने जितना अपना कलेक्शन पहले 2 दिनों में नहीं किया उससे ज्यादा कलेक्शन सूर्यवंशी फिल्म ने तीसरे हफ्ते में किया है। हालांकि बात करें सूर्यवंशी के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 120,66,00,000 रुपए, दूसरे हफ्ते में फिल्म का कलेक्शन लगभग 45 से 46 करोड़ के रेंज में रहा। इसी के साथ सूर्यवंशी फिल्म का 2 हफ्तों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था 166,23,00,000 रुपए। वही तीसरे शनिवार फिल्म का कलेक्शन रहा 4,50,00,000 रुपए और बात करें तीसरे संडे के, तो दोस्तों तीसरे संडे सूर्यवंशी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर गजब का उछाल देखने को मिल रहा और कहीं ना कहीं तीसरे संडे सूर्यवंशी फिल्म बंटी और बबली 2 के पहले संडे से डबल कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सूर्यवंशी फिल्म को तीसरे रविवार मॉर्निंग वाले शोज में काफी शानदार ऑक्युपेंसी मिली है। साथ ही साथ फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो भी काफी सॉलिड रही थी। तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यवंशी फिल्म अपने तीसरे रविवार ऑल इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 6,50,00,000 रुपए। इसी के साथ सूर्यवंशी फिल्म का अब तक का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 180 करोड़ रुपए, इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 221 करोड़ रुपए, ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन 56 करोड़ रुपए। यानी कि दोस्तों सूर्यवंशी फिल्म का अब तक का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 277 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती जा रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि फिल्म का फाइनल कलेक्शन इंडिया नेट मिनिमम 200 करोड़ रहेगा, वही वर्ल्ड
वर्ल्डवाइड ग्रोस कलेक्शन 300 करोड़ के रेंज में जाने वाला है। बाकी दोस्तों, अगर आपने बंटी और बबली 2 और सूर्यवंशी दोनों ही फिल्में देखी तो आपको बेस्ट फिल्म कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।